गणेश फेस्टिवल के इस मौसम में हमेशा बारिश होती है और मौसम को बना देती है मस्ताना। और इस बार गुड न्यूज़ ये है कि बारिश बहुत ही अच्छी हुई। वैसे बारिश तो इस शो में भी हो रही है, लेकिन यहाँ तो हो रही है ट्विस्ट की बारिश, जिसने बना दिया है इस शो के मौसम को कुछ इंटरेस्टिंग। आइए देखें। इमली के घर के बाहर शुरू हुई नारेबाजी। इमली की नानी के हाथों पिट गए आंदोलनकारी। स्टार प्लस के सीरियल इमली में मालिनी और उसकी माँ मिसेस चतुर्वेदी ने आदित्य के ऊपर लगा दिए हैं संगीन इल्जाम, जिसके चलते आदित्य और उसके परिवार को पहुँचना था कोर्ट में, लेकिन वो लोग कोर्ट तक ना पहुँच पाए, इसलिए मिसेस चतुर्वेदी ने चली अपनी चाल और उनके घर के बाहर पहुँचा दिए आंदोलनकारी, जिन्होंने ना सिर्फ आदित्य के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि उनकी आदित्य के साथ झड़प भी हुई। इससे पहले कि एक आंदोलनकारी आदित्य पर चप्पल उठाती, पहुंच गई इमली अपने पति का साथ देने। आप लोग ये कैसे भूल गए कि अगर यहाँ पे सीता मैया है तो साथ साथ सुलक्खा भी है, अगर परम पवित्र गंगा भी मैली हो सकते हैं तो आप सब लोग इनसे कैसे कह सकते हैं कि कब कोनो लड़की कोनो के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। भाई पति के साथ बदतमीजी करेंगे इमली क्या करेगी? लड़कियों के पास इतने बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, सबसे पहले आंसू और बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ दुनिया से लेकर, तो लड़कियों को गलत साबित करना बहुत गलत होता है। केवल इमली ही नहीं बल्कि वहाँ पर इमली की नानी भी पहुँच गई डंडा लेकर आंदोलनकारियों को भगाने के लिए। भाई नारेबाजी करने वाले तो भाग गए, लेकिन उनके द्वारा लाए गए पुतलों के साथ इमली यानी कि सुम्बुल खूब एंजॉय कर रही थी। ये मेरा है, अभी आई गेस मेरा बॉयफ्रेंड है क्योंकि ये बहुत लंबा है। इतनी लंबी मैं कभी नहीं थी। वैसे आदित्य की हाइट इमली से छोटी है। मालिनी और उनकी माँ ने इमली और आदित्य को फंसाने के लिए चाल तो चल दी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस बार इमली का साथ देने कोई और नहीं बल्कि सबसे समझदार वकील यानी कि कुणाल आ गए हैं, जब इमली का केस लड़ेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।